क्वेश्चन नंबर एट, हियर गिवन इनइक्वालिटी इज एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9, वाई ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. डन. सो फॉर दिस पेन first you have to write the equations for this given equation. So inequality x plus y equal to 9, this is the equation of line. For y greater than x we can write y equal to x, and for x greater than equal to 0 we can write x equal to 0. Done. Now we have to draw the graph for these three inequalities. So let's draw the graph. For that we require coordinate box. So this is coordinate box for the x plus y equal to 9. If we take x, suppose phi, x phi, then corresponding value of y is 4. And if we take y is a 3, then value of x is 6. Coordinate box for this y equal to x, equation of line passing through the center, x, y. For x 0, y 0. For x, suppose we are taking 3, then y is also 3. And x equal to 0 is the line perpendicular to x axis at x equal to 0. So which is equation of y axis. Done. So these are the inequalities. But here, this is slack inequality. This one is slack inequality. This one is strict inequality. And this one is again slack inequality. So graph of this line will be solid line. This will be dashed line. Dotted line, and this will be again solid line. Done. So let's try to draw the graph. This is straight y axis, straight line. No, assume it is straight line. So x and y axis. Now here, this is origin. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जा रहा है, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, y, 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, डन. सो फर्स्ट पॉइंट x 5, y 4, x 5, y 4, समवेयर ओवर हियर, x 5, y 4, सेकंड पॉइंट x 6, y 3, x6 y3 है ना. तो इसको ज्वाइन करना है तो कैसी लाइन मिलेगी, ऐसे होगी. ये तो कहाँ जाएगी, देखो ये जैसे होता है ना. डन. ये हमारे ग्राफ के बाहर चलेगी. आपको ग्राफ अच्छी तरह से भी इसके थोड़ा बड़ा स्केल लेके करना है ना. ये आपको y एक्सिस ऊपर तक ले जानी है. तो दिस इज अवर x plus y equal to 9, y equal to x, it's a equation of line passing through the center, है ना, 0, 0, 1, 1, 2, 2, तो ऐसे आएगी. This is the equation of line, y equal to x, and x equal to 0, y axis, this is our y axis, है ना, यहाँ पर कुछ intersect करेगी. तो ये तीनों lines, ये हमें dotted करनी थी, again, है ना, this is our dotted line, y equal to x is our dotted line. This is dotted line, this is solid line. Now consider the region of solution. So here you have to consider x plus y less than equal to 9. For this line we will consider origin 0 0. For this 0 0 put the value of x and y is 0 0. 0 plus 0, can we say 0 less than equal to 9? True. Yes, this is true. So solution of this line is the half line towards the origin. इसका सॉल्यूशन ओरिजिन के टुवर्ड्स आएगा, है ना, अंदर के साइड. दो पार्ट में हाफ प्लेन है, एक अपर एक लोअर, से लोअर साइड. तो इसका सॉल्यूशन होगा ये नीचे वाला. डन. फॉर दिस लाइन वाई ग्रेटर देन एक्स, है ना, ये तो जीरो जीरो में से पास हो रही है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसको भी बाद में सोचते हैं, है ना। अभी ये देख लो वाई एक्सिस, तो ये भी यहाँ से पास हो रही है, तो अभी हमारे पास ये वाले रीजन की ये वाला रीजन, इसके ऊपर वाला रीजन के नीचे वाला रीजन कुछ पता नहीं है, तो इसके बीच में एक पॉइंट कंसिडर कर ले, है ना। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ले ले, तो ये 4 1 4 1 एक पॉइंट होगा यहाँ पर, 1 4 होगा, है ना। 1 4 पॉइंट ले ले, तो 1 4 के लिए दोनों इक्वालिटी चेक करो। सो फॉर दिस वाई ग्रेटर देन एक्स, कैन वी से 4 ग्रेटर देन 1, दिस इज ट्रू। सो इसके जो ये लाइन है, इसका हाफ प्लेन ऊपर वाला होगा, अपर हाफ प्लेन, है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी ट्रू हो गई ये पार्ट में, तो ये ऊपर वाला पार्ट होगा, डन। तो इसके ऊपर, इसके नीचे हमें तो चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन, तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट डन, यहाँ पर पुट करो एक्स की वैल्यू, तो भी वो ट्रू हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट एंड दिस इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लिनियर इनइक्वालिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो, माइक अनम्यूट करो और कोई आंसर दो। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? गिरी, ओके, प्रिंस, थैंक यू प्रिंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो फॉर 8th क्वेश्चन वी आर गिवन दैट 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, 5x + 4y लेस देन और इक्वल टू 20, x > or = 1, y > or = 2, डन। थ्री इनइक्वालिटीज आर देयर, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन बाय वन। हियर फर्स्ट वील कंसिडर द स्ट्रेट लाइन, सो इट्स अ 5x + 4y = 20, दिस वन इज x = 1, दिस वन इज y = 2, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एट x = 1, this is equation of straight line perpendicular to y axis as y = 2, and this one is coordinate box draw karne padenge, so here coordinate box is x and y, value of x 0, so corresponding value of y is 5. If we take value of y 0, then corresponding value of x is 4, done. Now we can draw the graph for these three inequalities. Here slack inequalities are there, so we can draw the solid line. No, slack के लिए जो मैं जैसे भूल जाता हूँ dotted line draw करनी, वैसे आपको नहीं भूलना है. So this is x axis, this is y axis. Now zero, this one 5 तक हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, -1 -2 -3, done. Now first point is x0 y5, x coordinate is 0, so this point lies on the y axis, 0 5. Another point is 4 0 x0 y4, point lies on a x axis, done. Join these two points. Again, we are using scale, straight line. So this is the equation of 5x + 4y = 20. Inequality 1. Second equality, that is x > or = 1, that is x = 1, line parallel to x-axis at x = 1. Sorry, perpendicular to x-axis. So ye ho gayi x = 1 line. This is our x = 1 line. y = 2, perpendicular to y-axis at y = 2. So perpendicular to y-axis is nothing but the parallel to x-axis. This is our third line. Mana parallel assume kar lete, nahi hui. y = 2. So here we have to solve the
solution region. So let's start with the origin 0, 0. So for this line 5x plus 4y, this 0, 0 lies in the solution region or not. So for that we have to check its coordinates. So for 0, 0, this one is 0 less than or equal to 20. So this inequality will become true for this origin point. So solution of this region is towards the origin. This curve region hoga towards the origin. Hai na? Ye, inside. This half plane will be the region of this solution for this line. Now for this x equal to 1, for x equal to 1, put 0, 0. Can we say 0 greater than equal to 1? False inequality. This ka solution region hoga rightward direction wala, half plane, ye wala. Done? Dekho, ye niche aa raha hai, ye right direction mein ja raha hai. Abhi ye y-axis ke liye check kare. So that one, y greater than equal to 0. That will be 0 greater than equal to 2. Again false. False hai, away from the origin. Away from the origin, upper side hoga, upper half plane. This is our horizontal line. Anna? Here, our region, our origin 0, 0 does not satisfy this inequality. So solution region of this y equal to 2 will be upward half plane. So tino ka intersection point consider karo, kaun sa region milega? Iska ye wala, iska niche wala aur iska upper wala. Common kya aa raha hai? This triangle. Done? So this triangle is the solution region for these three inequalities. Iska matlab kya hua? If we take any point in this region, so that point will satisfy all these three inequalities. Hai na? Aap graph mein draw karenge, आपको वेरीफाई करना है इस रीजन में से आपको कोई भी एक पॉइंट ले लेना है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको ये इनइक्वालिटीज में पुट करने हैं तो ये तीनों इनइक्वालिटीज जैसे यहाँ पर फॉल्स हो रही है ना वैसे वो ट्रू फॉल्स ट्रू है वो ट्रू हो जाएगी क्लियर सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 8 नाउ क्वेश्चन नंबर 9 शायद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था ना So now, question number 10. हाँ बोलो कौन सी वैल्यू ये हाँ हाँ कोई भी ले लो आप है ना सपोज ये लाइन के लिए आप फाइंड कर रहे हो तो ये आप कौन से रीजन में आप पॉइंट ले रहे हो वो आपको ध्यान में रखना है सपोज ये मैं 0-3 ले लूँ चलो है ना तो मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए कि ये मैंने 0-3 लिया ना ये मैंने जो उसका जो नीचे वाला हाफ लेन है वहाँ से लिया है तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये सोल्यूशन रीजन में अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो इसके जो अपोजिट वाला हाफ लेन है वो उसका सोल्यूशन रीजन मैं 0-0 क्यों लेता हूँ क्योंकि 0-0 सबसे ईजिएस्ट पॉइंट है रखने के लिए डायरेक्ट एक्स वाई 0 कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है लेकिन आप 0-3 लेंगे तो आपको y की वैल्यू 3 रखनी है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना सब करना पड़ेगा अदरवाइज यू कैन टेक एनी पॉइंट है ना आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि आप जो पॉइंट ले रहे हो वो लाइन के कौन से हाफ प्लेन में अपर हाफ प्लेन में या फिर लोअर हाफ प्लेन में है ना राइट वर्ड हाफ प्लेन में या फिर लेफ्ट वर्ड हाफ प्लेन में है डन सेवन एट और ये 9 था नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सो हियर क्वेश्चन नंबर 10 इज कुछ नहीं है सेम है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 60 एक्स प्लस 3y less than or equal to 30 x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 four inequalities are there we have to find the solution region for these four inequalities hai na abhi hame sab kuch aa gaya hai aap kitni bhi inequalities de do hum solve kar denge so first one first inequality is 3x plus 4y less than or equal to 60 so equation of line is 3x plus 4y equal to 60 and all inequalities are slack inequalities so we'll draw the solid line this one is x plus 3y equal to 30 x equal to 0 y equal to 0 are the equation of y axis as well as x axis respectively hai na x equal to 0 kiska equation hai y axis ka
y इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस का. तो अभी हमें सो वी रिक्वायर ओनली टू कोऑर्डिनेट बॉक्स फॉर दिस टू लाइन्स. सो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉक्स फॉर दिस लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 60. सो हियर पुट x इक्वल टू क्या पुट करें, जीरो. पुट x इक्वल टू जीरो सो y इक्वल टू 15. स्केल लेके करना पड़ेगा. इफ y इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू 20 20. डन फॉर दिस वन. टेक x इक्वल टू जीरो सो y इक्वल टू 10. टेक y इक्वल टू जीरो x विल बी 30. ओहो x y 5 ले लो, 30 तक कहाँ जाएंगे, है ना. y 5 5 3 जा 15 सो x विल बी 15. ये कुछ हो गया. चलो x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो तो डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे. सो नाउ ग्राफ. जीरो स्केल लेके करें, है ना. 15 10 20 सब दिख रहा है. तो यहाँ पर लिखे जैसे 0 5 10 15 20 25. वाई एक्सिस पर सेम 5 10 15 20 25. माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10. दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस. नाउ फर्स्ट पॉइंट x 0 y 15. This one 0 15 0 15. And second point of this first line x 20 y 0 x 20 y 0. So 20 0. This is our first line. Draw it. Done. This is the graph of equation 3x plus 4y equal to 60. First line हो गई. Second line x 0 y 10 x 0 y 10 this one x 0 y 10. And second point x 15 x 15 y 5. So x 15 y 5 somewhere over here. दोनों को join करो. So it will be like this. X 15 Y 5 हाँ रेडी. डन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन इज X प्लस 3Y. X प्लस 3Y इक्वल टू 30. टू लाइन्स X इक्वल टू 0. X इक्वल टू 0 X Y एक्सिस. This is y axis, इसको भी इंक्लूड करना है. एंड y इक्वल टू जीरो x axis, इसको भी इंक्लूड करना है. नाउ यू टू फाइंड द कॉमन रीजन फॉर दिस ऑल फोर इनइक्वालिटीज. डन. सो फर्स्ट कंसिडर 0 0, है ना. इसका नीचे वाला है कि ऊपर वाला है, दोनों लाइन का वो चेक करते हैं. सो फॉर ओरिजिन 0 0 फर्स्ट इनइक्वालिटी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ट्रू. सो सॉल्यूशन रीजन इज हाफ प्लेन टुवर्ड्स द ओरिजिन, है ना. हाफ प्लेन टुवर्ड्स द ओरिजिन. फॉर सेकेंड वन अगेन 0 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 30. सो दैट इज ट्रू और फॉल्स. दिस इज अगेन ट्रू. सो फॉर दिस सॉल्यूशन रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन. सो कॉमन रीजन विल बी लाइक दिस. यू हैव टू कंसिडर द फर्स्ट रीजन ओनली, फर्स्ट क्वाड्रेंट. This is the solution region. Then this is our x-axis, y-axis, and common region between these all four lines is this region. Then आपको ये अच्छी तरह से विजुलाइज होगा जब आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पॉइंट क्या आ रहा है वो अभी मुझे कुछ विजुलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे ही रफली ड्रॉ किया हुआ है. क्लियर. आप इसको अच्छी तरह से ना ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, है ना. सो ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ इन ग्राफ पेपर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 11, सो हियर बोलो क्या स्कूल में अभी आप घर से घर पे ही लेके ग्राफ पेपर लेके ही करो है ना. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, और 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6. स्लैक इनइक्वालिटीज आर देयर, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 2 आर लेस देन और इक्वल टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज आर देयर है ना. 3 स्ट्रेट लाइंस आर गिवन. सो इसको अच्छी तरह से ट्राई करेंगे हम है ना. कुछ रीजन आपको विजुलाइज करना पड़ेगा अच्छी तरह से. सो हियर दिस वन इज 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जिसके हम रिटर्न एज 2x प्लस वाई इक्वल टू 4. दिस वन इज x प्लस वाई इक्वल टू 3, एंड दिस वन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 6. कोऑर्डिनेट बॉक्स ड्रॉ करें. सो हियर एक्स वाई एक्स वाई है ना, 3 कोऑर्डिनेट्स बॉक्स चाहिए यहाँ पर. तो बोलो फॉर दिस फर्स्ट लाइन इफ यू आर टेकिंग एक्स इक्वल टू 0, एक्स 0 वेरी गुड, वाई इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 4, सो 0 4 पॉइंट है ना, एक्स 0 वाई इक्वल टू 4. इफ यू आर टेकिंग वाई इक्वल टू 0 y 0, then x equal to 2, x equal to 2. Now here x equal to 0, x equal to 0, y 3, y equal to 0, x 3, very good. Here if you are taking x equal to 0, x equal to 0, y equal to minus 2, and if you are taking y equal to 0, then x will be 3. वेरीफाई कर लो है ना, राइट है ना, अदरवाइज ग्राफ नहीं आएगा हमारा. 0 4 4 4 3 3 ये हो गया, सही है, चलो सही है. सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ. जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फॉर दिस वाई, दिस कैन बी 1 2 3 and 4 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर. नाउ फॉर दिस लाइन एक्स 0 वाई 4, that means 0 4 0 4 here 0 4 2 0 2 0 will be over here 2 0, done. So line will be like this. This is the graph of first equation, which one, 2x plus y equal to 4. Now second line x0 y3 here x0 y3, so 0 3, x3 y0 coordinates are 3 0 है ना, 3 0 points. So here ये line कुछ ऐसे होगी. This is the equation of line x
plus y equal to 3. And third line will be 0, x 0, y minus 2. X 0, y minus 2 here. X 0, y minus 2, here wala point. X 3, y 0, 3, 0 point. 3, 0 here. इसको ज्वाइन करें. So this one is 2x minus 3y equal to 6. Done. So now we have to find the common region. Common region which solve all three these inequalities. Done. So ये line के लिए सबके लिए origin ही check करते हैं. So first 0, 0 at origin. What about this first inequality? 0 plus 0, 0 plus 0 greater than equal to 4. False आ गया. है ना, जीरो प्लस जीरो तो ये फॉल्स आ गया. फॉल्स कौन सी लाइन के लिए आया? ये जो पिंक लाइन है, ये तो पिंक लाइन का जो सॉल्यूशन होगा ये होगा हाफ प्लेन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, हाफ प्लेन अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये जो पिंक लाइन है उसके ये साइड में सब सॉल्यूशन आएगा, है ना, ये वाला जब हाफ प्लेन ले लो तो सॉल्व होगा. नाउ फॉर दिस सेकेंड लाइन ओरिजिन, तो जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री, तो जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री, तो ये ट्रू आ गया. ट्रू तो ये वाली लाइन है, ये लाइन है ना, ये लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन, नीचे वाला, ये साइड में नीचे वाला. देन ये लाइन के लिए ऊपर जा रहा है, ये लाइन के लिए नीचे आ रहा है, तो भी ये लाइन के लिए चेक कर ले, वो होगा जीरो प्लस जीरो, जीरो ग्रेटर इक्वल टू सिक्स, ये भी ट्रू. तो इसका ओरिजिन क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये लाइन से ऊपर वाला. देखो क्या हुआ, ये लाइन से ऊपर, ये लाइन से नीचे और ये लाइन से ऊपर, कौन सा रीजन आया? दिस वन, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ दिस इन इक्वालिटी. डन. ये आप इसको आप डार्कन भी कर सकते हो, है ना, टाइम पास करना है पेपर में, और कुछ नहीं आता है, सिर्फ लीनियर इन इक्वालिटी आता है चैप्टर. तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इसके बाद पूरी डिजाइन करते रहो, आपके 3 घंटे चले जाएंगे. डन. Clear question number 11. So now next question. Question number 12. So here in 12th question we are given how many inequalities? 1, 2, 3, 4 inequalities are there. x minus 2y less than or equal to 3, 3x plus 4y greater than or equal to 12, x greater than or equal to 0 or y greater than or equal to 1, 3x plus 4y x minus 2y less than or equal to 3. Chalo. Done. So here again कुछ नहीं करना है, जो अभी तक किया है 4-5 दिनों से जो कर रहे हैं वही करना है. एक्स वाई एक्स वाई इसके अंदर वो ड्रॉ नहीं करना है, इसको तो आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो ना, क्योंकि आप सब लोग इंटेलिजेंट हो. सो हियर एक्स, इफ यू आर टेकिंग एक्स जीरो देन वाई विल बी इन फ्रैक्शन, तो ऐसा कुछ काम नहीं करना है ना. तो हम लेंगे x इक्वल टू क्या लेंगे बोलो, माइनस वन ले ले, माइनस वन उस साइड जाएगा तो प्लस वन. हाँ, सो इफ यू टेकिंग x इक्वल टू माइनस वन, सो दिस माइनस वन विल कम प्लस वन, सो 3 + 1 4 अगेन डिवाइड बाय टू माइनस टू. सो x माइनस वन y माइनस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, है ना, और y जीरो ले लो, y जीरो, सो x विल बी 3. This is for x minus 2y equal to 3 line. 3x plus 4y equal to 12 के लिए x 0, y 3, y 0, x 4. Clear? Graph draw करें. ये तो simple लग रहा है मुझे.
वाई एक्स, ये ओरिजिन एक्स जा रहा है 4 तक, सो 1 2 3 4, -1 -2 -3, वाई 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4. फर्स्ट पॉइंट एक्स माइनस वन वाई माइनस वन वाई माइनस टू, एक्स माइनस वन वाई माइनस टू, और हियर -1 -2. जैसे आप इंस्टाग्राम में लिखते हो ना वो कैप्शन क्या लिखते हो, समवेयर ऑन द अर्थ, तो हियर समवेयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर 3 0, एक्स एक्स 3 y 0, ये 3 0 ज्वाइन करें, अभी स्केल यूज नहीं करते है ना डायरेक्ट, सो दिस वन इज एक्स माइनस 2 y इक्वल टू 3, ये फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन क्या होगा, x 0 y 3, ये रहा x 0 y 3, और x 4 y 0, ना आप लोग सब इंजीनियर होने वाले हो, आपको डायरेक्ट ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हो गया दूसरा लाइन, डन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन 3x + 4y = 12। बाकी कौन सी दो लाइन है, x = 0 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एट x = 0, तो ये वाई एक्सिस हमारी एक एक्सिस है, तो इसको भी कर देते है ना, ये वाई एक्सिस, और y = 1, लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एट y = 1, सो लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये भी एक हो गया y = 1। अभी तीनों का कॉमन रीजन फाइंड करना है ना, आप अच्छी तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि ये इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, अभी यहाँ पर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी इसका कॉमन रीजन फाइंड करें, ये लाइन शायद ऊपर से ही जाएगी, हाँ इसमें ऐसे पॉइंट रहेगा, तो हियर देखो ओरिजिन पॉइंट ही चेक करते हैं, सो फर्स्ट इनइक्वालिटी 8 0 0 0 -2 × 0, सो 0 < 3, यस दिस इज ट्रू, सो फर्स्ट लाइन इज ट्रू, तो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा ये है ना 2 r 0, फर्स्ट का 2 r 0, सेकंड लाइन के लिए 0 0, सो 0 > 12, ये तो फॉल्स है भाई, तो फॉल्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये होता है, देखो ये लाइन अभी देखना है, इसका ऊपर आ रहा है, इसका अवे आ रहा है, अभी ये थर्ड लाइन का चेक करें y = 1, तो क्या होगा 0 < 1, ये भी फॉल्स, तो ये लाइन का भी ऊपर का आएगा, डन। तो ये एक्स एक्सिस वाला, ये इस साइड है कि इस साइड, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, सपोज यहाँ पर एक लेते हम 6 0, तो 6 0 यहाँ पर रखो, तो क्या होगा 6 > 0, तो ये एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस है उसके राइट डायरेक्शन में आएगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा राइट डायरेक्शन में, तो अभी तीनों का कॉमन कौन सा हुआ देखो, तो वाई एक्सिस के राइट डायरेक्शन में जाना है, ये एक्सिस के ऊपर जाना है, ये एक्सिस के भी ऊपर जाना है, और इसके भी ऊपर जाना है, तो ये वाला पूरा रीजन हुआ, देखो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये पूरा, क्लियर। स्टूडेंट्स ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, है ना, ये सारे ग्राफ आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो आपको थोड़ा फील आएगा कि यहाँ ये सब एरिया हो रहा है। 13 नंबर, सो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 13, वी आर गिवन 4x + 3y < or = 60, y > or = 2x, x > or = 3, और एक्स वाई, ये क्या है x y > or = 0, है ना, दोनों साथ में दिया है, दैट मीन्स x y > or = 0 मीन्स x > or = 0, y > or = 0, ये दोनों को कंबाइन किया, सो ये टोटल 1 2 3 4 5 इनइक्वालिटीज आर देयर, यू टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस 5 इनइक्वालिटीज,
डन, वेरीफाई कर लो एक बार। 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x ग्रेटर इक्वल टू 3, यस रेडी। चलो तो ग्राफ ड्रॉ करें, नहीं करना है पहले, कोऑर्डिनेट बॉक्स चाहिए। सो हियर कोऑर्डिनेट बॉक्स इज एक्स वाई, टेक एक्स जीरो, एक्स जीरो वाई 20 और एक्स फाइव ले लो, है ना, 5 4 20, कुछ नहीं करना है। एक्स जीरो वाई 20, वाई जीरो सो एक्स 15, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए दिस इज अवर एक्स एंड दिस इज वाई, टेक एक्स फाइव, एक्स फाइव देन वाई 10 एंड इफ वाई जीरो एक्स जीरो, डन। एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ये सब लाइन हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ दी ग्राफ। जीरो है ना, स्केल लेते हैं 5 10 15 20, माइनस 5 माइनस 10, हियर 5 10 15 20, माइनस 5 माइनस 10 माइनस 50। फर्स्ट पॉइंट एक्स जीरो वाई 20, जीरो 20 पॉइंट, एक्स 15 वाई जीरो, इसको ज्वाइन कर दे, डन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। सेकेंड पॉइंट एक्स फाइव वाई 10, समवेयर हियर एक्स जीरो वाई जीरो, लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, है ना, ये पॉइंट।